फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त ओरिजिनिक फैकल्टी प्रवीण कुमार केबी कैंपस के शानदार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लॉक के अगले सीरीज़ की तरफ बढ़ने वाले हैं। अगला सीरीज हमारा क्या होने वाला है आपको पता भी होगा, क्योंकि इसके पहले आप देख चुके हैं कि कैसे फंडामेंटल ऑफ क्लॉक हमने पढ़ा था। उसके बाद कोई टाइम दिया रहेगा, जैसे मान लो दिया 8:35, तो उसको हम कैसे एंगल में कन्वर्ट कर रहे थे। फिर हमने अगला एक टॉपिक दिया था आपको कि जब एंगल पूछे तो टाइम कैसे निकालेंगे, यानी 1 और 2 बजे के बीच 0 डिग्री का केस बनेगा तो टाइम कब होगा, ऐसा टाइप आप डिस्कशन कर चुके हैं। आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपसे मैंने पहले ही कहा था कि 0 डिग्री पूछे, 180 डिग्री पूछे, 90 डिग्री पूछे, या फिर आगे जो भी आपका एंगल पूछे 45, 70, 80 कुछ भी पूछे, तो इस सबका डिस्कशन हमें करना था। क्लियर है? तो 0 डिग्री कंसेप्ट को मैं बता चुका हूँ। अब आज हम डिस्कशन करने वाले हैं 180 डिग्री वाला, 90 डिग्री वाला, यानी जो भी एंगल आपके सामने दिया हुआ है इन सबको हम लेके चलेंगे, यानी कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, इस चीज़ को लेके आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए उस चीज़ को देखना है। तो सबसे पहले समझो, जो फॉर्मूला हमने आपके लिए 0 डिग्री के लिए बताया था, यानी आपको 0 डिग्री के लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि 60/11 गुने इनिशियल टाइम, यानी प्रारंभिक समय से मल्टीप्लाई कर दो। तो प्रारंभिक समय से मल्टीप्लाई कब करना था, जब आपका कंडीशन ये बना हुआ था, तो ये 0 डिग्री का केस बन रहा था, यानी दोनों सुइयां जब एक साथ होती हैं तो आपको मैंने बताया था 60/11 गुने प्रारंभिक समय कर दो, आपका काम बन जाएगा। लेकिन अब आपको डिस्कशन करना है जब 180 का एंगल बनेगा, और 180 का एंगल बनने का मतलब क्या होता है कि घंटे का सुई जब इधर रहेगा तो मिनट का सुई इधर रहेगा, या मिनट घंटे का सुई इधर रहेगा तो मिनट का सुई इधर रहेगा। डिस्कशन जो करना था 180 वाला, अब तो देखो यहाँ जो काम करना था वो दोनों एक ही दिशा में दिया हुआ था, लेकिन यहाँ दोनों उल्टा दिशा में दिया हुआ है। तो करना क्या है, देखो 180 वाला फॉर्मूला देखो क्या कह रहा है, 60/11 जो फॉर्मूला है वही रहेगा, बस आपको अंतर कहाँ पढ़ना है, प्रारंभिक समय, प्रारंभिक समय का विपरीत, का विपरीत, यानी ये एक साथ बन रहा था सामने वाली दिशा में, अब ये उल्टा बन रहा है, तो प्रारंभिक समय से जो मल्टीप्लाई कर रहे थे इसमें, इसमें उसका उल्टा से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर बनकर तैयार हो जाएगा। मैं उसको दिखा रहा हूँ कैसे करना है, बस इसको समझो, यानी रिवर्स ऑफ इनिशियल टाइम, इनिशियल टाइम का अपोजिट। तो देखो प्रारंभिक समय का विपरीत का मतलब क्या होता है, मान लो कि हमें 2 का विपरीत निकालना है, तो ध्यान रखना किसी भी समय में 6 जोड़ने पर, किसी भी समय में 6 जोड़ने पर उसका विपरीत समय निकल जाता है। कैसे, जैसे मान लो ये घड़ी है, तो 6 का उल्टा क्या होता है, विपरीत 12, 3 का उल्टा क्या होता है, विपरीत 9, ऐसे ही आप किसी भी समय में जब 6 जोड़ेंगे तो उसका विपरीत समय निकल के आपके सामने आ जाएगा। यानी आप जब 0 डिग्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो मान लो दिया था कि 2 और 3 बजे के बीच में कब 0 डिग्री बनेगा, तो 60/11 सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, लेकिन अब जब पूछेगा कि 2 और 3 के बीच में कब 180 डिग्री बनेगा, तो आपको प्रारंभिक समय का विपरीत निकालना होगा, यानी 2 में आपको क्या करना पड़ेगा, 6 जोड़ के 8 लाना पड़ेगा और तब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ 180 डिग्री वाला, उस पर आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो कहेगा 3-4 के बीच, यानी 3 बजे और 4 बजे के बीच कब दोनों सुई विपरीत स्थिति में होगी, विपरीत स्थिति पूछे, या 180 डिग्री पर होगी, यह भी कर सकते हैं। फॉर्मूला आपके पास वही रहेगा, 60/11 गुने, अब यहाँ सिर्फ अंतर क्या करना है, अगर 0 डिग्री पूछता तो सीधे 3 से मल्टीप्लाई कर देते,
180 पूछा है, इसलिए इसका रिवर्स निकालेंगे, यानी किसी भी का विपरीत निकालने के लिए रिवर्स निकालने के लिए 6 जोड़ देना, यानी 60 बटा 11 गुने 9 यानी 540 बटा 11। जब तोड़ोगे तो आएगा 49.1/11। कितना बजकर? तो 3 बजकर 49.1/11 पर आपका क्या होता है, घड़ी की दोनों सुइयां बिल्कुल विपरीत स्थिति पर होती हैं। क्लियर है? तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। बस ध्यान रखना इसमें एक चीज़ कि आपका जो घड़ी है यानी ये 5 ये 7 और 6, जैसे 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री बन रहा था, वैसे ही 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री भी बनता है। जैसे 12 बजे कॉमन टाइम था 11 और 12 के लिए, वैसे ही कॉमन टाइम 5 और 7 के लिए 6 बजे होता है, ये भी ध्यान रखना। यानी 5 और 6 के बीच में 180 डिग्री नहीं बनता है और 6 और 7 के बीच में 180 डिग्री नहीं बनता है, यानी 5 और 7 के बीच में एक ही बार 180 डिग्री बनता है सीधे 6 बजे। अगर 5 और 6 के बीच में क्वेश्चन पूछा होता तो उसको भी देख लेते हैं। मान लो पूछता कि 5 और 6 के बीच में कब 180 डिग्री बनेगा, तो देखो 60 बटा 11 और 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 6 11, ये कट जाएगा, यानी 5 बजकर 60 मिनट। तो 5 बजकर 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 6 बजे। क्लियर है? 6 और 7 के बीच में ही पूछता तो वही बात होता। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको हमेशा कि 5 और 7 के बीच में सिर्फ 6 बजे ही बनता है, दोनों अलग अलग नहीं बनता। क्लियर है? चलिए, अगर मिनट वाला क्वेश्चन जैसे 0 डिग्री में आ रहा था इसमें आ जाए तब क्या करना है उसको देख लो। यहाँ देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे 3:16 से 4:32 तक कितनी बार 2 सुइयां विपरीत स्थिति पर होगी। क्लियर है? यानी 3:16 से 4:32 तक कितनी बार 2 सुइयां विपरीत स्थिति पर होंगी। मैंने क्या बताया था, इसको चेक कर लो 3 और 4 के बीच में, इसको कर लो 4 और 5 के बीच में। कैसे? तो 60/11 और पहले वाले में इसका उल्टा निकालना है तो 6 3 9 सीधे कर दो, 540/11 हो जाएगा। और यहाँ 60/11 गुने 6+4 10, 600/11 हो जाएगा। ये हो जाएगा 54.6/11, कितना बजकर? तो 4 बजकर। और ये हो जाएगा 49.1/11, कितना बजकर? 3 बजकर। अब देख लो, मैच कर लो, 3:16 से और 4:32 के बीच में दोनों टाइम आया है क्या? तो 3:49 तो इसके बीच में आया है तो ये ठीक है, और 4:54 इसके बीच में आया है क्या? नहीं आया, तो ख़त्म है। यानी एक बार ऐसा समय आएगा जब घड़ी की दोनों सुइयाँ विपरीत स्थिति में होंगी। क्लियर है? अब देखो, जैसे आपने दोनों कॉन्सेप्ट को आपने देखा है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल आपको 90 डिग्री में भी होगा। बस 90 डिग्री में थोड़ा सा फ़र्क क्या पड़ जाता है वो देखो। जीरो डिग्री और 180 डिग्री वाला जैसे क्वेश्चन आपने देखा है, सबसे फेमस क्वेश्चन 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री वाला ही होता है जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा गया है। बाकी एंगल भी पूछा जा सकता है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। क्लियर? अब यहाँ देखो, आपको पता है कि 0 डिग्री और 180 डिग्री एक घंटे में एक बार होता था, लेकिन यहाँ 90 डिग्री की होगी तब क्या ध्यान देना है, तो थोड़ा सा ध्यान दो। 90 डिग्री बनने के लिए घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने मिनट का गैप होना चाहिए? आप कहेंगे सर मान लो ये परफेक्ट 90 डिग्री बनाता है, यानी 3 बजे ऐसा टाइम है जो परफेक्ट 90 डिग्री को दिखाता है, या 9 बजे ऐसा टाइम है जो परफेक्ट 90 डिग्री को दिखाता है। तो ये देखने से हम क्या पता चल रहा है कि इनके बीच 90 डिग्री का गैप है, और एंगल गैप कितना है, तो 5 मिनट 10 मिनट और 15 मिनट। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि जहाँ भी घंटे और मिनट की सुई के बीच 15 मिनट का गैप होगा वहाँ ऑटोमेटिक 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। क्लियर है? तो देखो, तो हम पता करते हैं कि एक घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ध्यान रखो, मान लो कह रहा है कि 4 बजे और 5 बजे के बीच, पता कर लो, पता चल जाएगा।
चार और पाँच के बीच में एंगल कितनी बार बन रहा है 90 डिग्री का। अच्छा एक चीज़ बताओ, चार और पाँच बजे के बीच में एक जीरो डिग्री कितनी बार बन रहा है? एक बार बनता है ना। 180 डिग्री कितनी बार बन रहा है? एक बार बनता है ना। तो 90 डिग्री कितनी बार बनेगा? आप कहेंगे सर आँख बन गई एक बार। नहीं, एक बार ध्यान से देख तो लो पहले, इनके बीच गैप कितना है अभी? 120 डिग्री का गैप है, देख लो ना, 30 60 90। और हमें 120 डिग्री का गैप नहीं पता करना है ना, हमें तो पता करना है 90 डिग्री का गैप। तो जब मिनट की सुई आगे बढ़ेगी तो एक टाइम कहीं ना कहीं तो आएगा जब इनके बीच में 90 डिग्री का गैप हो जाएगा, क्लियर। और जब मिनट की सुई आगे बढ़ेगी तो एक टाइम इधर भी कहीं ना कहीं आएगा जब इनके बीच 90 डिग्री का गैप यानी गैप हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री जो एक घंटे में बनता है वो कितनी बार बनता है? दो बार। तो अगर सवाल बनता है कि चार और पाँच के बीच में जीरो डिग्री, तो आपको निकालना आता है। चार और पाँच के बीच में 180 डिग्री आपको निकालना आता है। चार और पाँच के बीच में 90 डिग्री ये निकालना आपको अभी नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर में अभी आ जाएगा। बस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चार और पाँच के बीच में जब जीरो डिग्री पूछेगा तो आंसर एक बार आएगा, क्योंकि एक बार बनता है। आपको जब चार और पाँच के बीच में 180 पूछेगा तब भी एक बार आंसर आएगा, क्योंकि एक बार बनता है। जब क्वेश्चन 90 डिग्री पूछेगा यानी समकोण, 90 डिग्री पूछे या समकोण पूछे, तो उसका आंसर दो बार आना चाहिए, क्योंकि दो बार बनता है, क्लियर है। अब थोड़ा देखो इसका फॉर्मूला क्या लगाना है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो फॉर्मूला आपका वहीं चलेगा, बस ध्यान क्या देना है उस चीज़ को समझो, कंसेप्ट थोड़ा देख लो, समझ आ जाएगा सारा चीज़। चार और पाँच बजे के बीच में जो समकोण बनने का है, कि इन दोनों के बीच समकोण कब बनेगा, एक समकोण बनता है घंटे के सुई से पीछे इधर, और आगे जब बढ़ोगे तो एक जो आपका समकोण बनता है 90 डिग्री बनता है वो घंटे के सुई से आगे। फॉर्मूला क्या है? 60/11 वाला ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आपको क्या करना है, यानी प्रारंभिक समय प्लस माइनस 3, बस इसी ट्रिक का इस्तेमाल करना है, सारा 90 डिग्री वाला क्वेश्चन सॉल्व होकर आपके सामने जाएगा, क्लियर। अब ध्यान दो, प्लस माइनस 3 हमने क्यों किया है? 3 का मतलब होता है तीन ब्लॉक, और जो लोग बेसिक पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा तीन ब्लॉक बराबर कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। यानी प्रारंभिक समय जो दिया है, यानी चार और पाँच बजे के बीच में पूछा गया था, तो प्रारंभिक समय से तीन ब्लॉक जब माइनस करोगे तो पीछे वाला निकल जाएगा, और प्रारंभिक समय में जब तीन जोड़ोगे आगे वाला निकल जाएगा। यानी ध्यान रखना, एक घंटे के सुई से पीछे बनता है समकोण, और एक घंटे के सुई से आगे बनता है समकोण। फॉर्मूले में अगर सिर्फ पीछे वाला पूछा है तो माइनस 3 कर देना, आगे वाला पूछा है सिर्फ तो प्लस 3 कर देना। अगर दोनों में से किसी चीज़ की चर्चा नहीं किया गया, इसका मतलब दोनों निकालना है, तो प्लस माइनस 3 कर देना, क्लियर है। चलो इस चीज़ को निकाल लेंगे हम। अच्छा इसके पहले एक और चीज़ देख लो, अगर ये भी कभी आपको कन्फ्यूज कर दे, एक घंटे में आपको पता चल गया कि कितनी बार बनता है समकोण, दो बार, तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 24 बार बनना चाहिए, लेकिन नहीं बन पाता है, कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है। और 24 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 48 नहीं, कितना? 44। अब देखो इस सवाल एग्जाम में पूछ चुका है, कैसे पूछा था, एक दिन में, एक दिन बराबर 24 घंटा, एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां समकोण पर होती हैं, यानी 90 डिग्री बनाती हैं, राइट एंगल फॉर्म करती हैं, तो आंसर अब बार कितनी बार आना चाहिए? 44 बार, क्लियर है। अच्छा अच्छा ऐसा क्यों होता है, दो बार कम क्यों हो रहा है? तो देखो यहाँ भी कॉमन टाइम है, दो और चार बजे के बीच में, नियम कहता है कि दो और तीन के बीच में दो बार बनना चाहिए, क्योंकि एक घंटे में दो बार बन रहा है, तीन और चार के बीच में भी दो बार बनना चाहिए, लेकिन नहीं बन पाता है, एक बार यहाँ बनता है, एक बार यहाँ बनता है, और एक बार सीधे कहाँ बनता है? तीन बजे। तो यहाँ तीन ही बार काउंट होता है, चार बार काउंट नहीं होता है। ऐसा ही सेम कंडीशन 8 और 10 के बीच में भी तीन ही बार बन पाता है, एक 9 बजे कॉमन बन जाता है, तो एक माइनस इधर, एक माइनस इधर, इसलिए कहते हैं 12 घंटे में 22 बार ही बनता है, क्लियर है। अब चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन वही है कि चार और पाँच बजे के बीच में राइट एंगल कब बनेगा, और आपको पता है कि चार और पाँच बजे के बीच में राइट एंगल दो बार बनेगा, तो आपका आंसर भी कितनी बार आएगा? दो बार आएगा। चलो निकाल लेते हैं, फॉर्मूला हमारा है 60/11 इनिशियल टाइम, यानी चार और पाँच के बीच में प्रारंभिक समय कौन सा है? चार है, तो एक बार चार में तीन जोड़ दो, और एक बार चार में तीन घटा दो, तो 60/11 गुने 7, और ये 60/11 गुने 1, ये हो जाएगा 420/11, ये हो जाएगा 60/11, इसको तोड़ेंगे तो 5×5/11 कितना बजकर? 4 बजकर। इसको तोड़ोगे तो आएगा 38×2/11 कितना बजकर? 4 बजकर। यानी देखो
एक बना है घंटे के सुई से पीछे, यानी 4:05 / 5/11 का मतलब क्या होता है, 4 से पीछे है, और एक बना है घंटे के सुई से आगे। तो देखो माइनस वाला घंटे के सुई से पीछे बना और प्लस वाला माइनस का घंटे के सुई से आगे बना। यही कहते हैं कि 92 का क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखना, अगर सिर्फ ये पूछता है कि आप 90 डिग्री कब बनता है तो दोनों निकालो, अगर ये पूछता है कि 4 और 5 के बीच में ऐसा टाइम बताओ जब मिनट की सुई घंटे के सुई से 90 डिग्री पीछे हो, माइनस वाला निकाल देना, 90 डिग्री आगे हो तो ये निकाल देना, तो क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो 90 का क्वेश्चन भी आप इसी तरह सॉल्व आसानी से हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दे, 8 और 9 के बीच में राइट एंगल कब बनेगा, तो चलो 60/11, 8 में 3 जोड़ दो, 60/11 8 में 3 घटा दो, सॉरी तो 60/11 में जब 11 करेंगे, यहाँ 60/11 में जब 5 करेंगे, ये कटेगा तो कितना बचकर 60 मिनट, 8:60, ये आएगा 300/11 यानी 27.3/11, कितना बजकर 8:00। अब देखो हमने कहा था ना कि 8 और 10 के बीच में जो टाइम होता है 8 और 10 का, तो मैंने क्या कहा कि 8 और 9 के बीच में एक ही बार बनेगा, 9 और 10 के बीच में एक ही बार बनेगा, और 8 और 10 के बीच में एक बार 9 बजे कॉमन टाइम होता है। तो देख लो प्रूफ हो गया, 8:60 का मतलब क्या होता है 9 बजे, यानी 8 और 9 के बीच में एक ही बार बनता है, एक बार 9 बजे बनता है। वैसे ही 9 और 10 के बीच में भी चेक करोगे तो 9 और 10 के बीच में एक ही बार बनेगा, दो बार नहीं बनेगा। वैसे ही सेम इधर आओगे तो 3, 4, 2 और 4 के बीच में एक बार 3 बजे बनेगा, एक बार 2 और 3 के बीच बनेगा, और एक बार 3 और 4 के बीच बनेगा। क्लियर है? तो ऐसे 90 क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा सॉल्व। क्लियर है? तो चलिए 0 डिग्री वाला भी आप पता चल गया कैसे सॉल्व होगा, बिल्कुल आसान ट्रिक है, विदाउट पेन एंड पेपर का आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका कैलकुलेशन ठीक है तो। 90 डिग्री वाला भी आपने देख लिया, 180 वाला भी आपने देख लिया, ठीक है। तो चलिए एक छोटा सा कंसेप्ट और बताता हूँ मैं, कि अगर इसके जगह पे कोई और एंगल आपके पास बन के आ जाए तब हमें क्या करना है। मैं जो बात कह रहा हूँ उस बात को समझिए आप कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर 90 डिग्री 180 डिग्री और 0 डिग्री ये सारा क्वेश्चन आता है तब तो आप आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन अगर इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन दे देता है, जैसे मान लो दे देता है कि 4 और 5 के बीच 120 डिग्री कोण कब बनेगा, या फिर 60 डिग्री का कोण कब बनेगा, या फिर कुछ भी जो भी एंगल पूछे, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। जब क्वेश्चन 90 डिग्री का क्वेश्चन सॉल्व करना था आपने क्या किया था, प्रारंभिक समय में प्लस माइनस 3 कर दिया था। तो प्लस माइनस 3 का मतलब क्या होता है, 3 ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक और 3 ब्लॉक, एक बार आगे और एक बार पीछे। तो अगर क्वेश्चन 30 डिग्री का पूछे तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस 1 कर दो, यानी 30 डिग्री पूछे, 60 डिग्री पूछे, 120 डिग्री पूछे, यानी 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, एक ब्लॉक होता है। तो अगर एक ब्लॉक का मतलब 30 डिग्री होता है, तो अगर 90 डिग्री के लिए प्लस माइनस 3 का इस्तेमाल आप कर रहे हो फॉर्मूले में, तो 30 डिग्री के लिए प्लस माइनस 1 का इस्तेमाल कर लो। अगर 60 डिग्री का क्वेश्चन पूछेगा तो फॉर्मूला वही रहेगा, प्लस माइनस क्या कर देना, 2 कर देना। अगर 120 डिग्री का क्वेश्चन पूछेगा तो प्लस माइनस क्या कर देना, 4 कर देना। आपको पता है ना कि 1 ब्लॉक = 30 डिग्री, 2 ब्लॉक = 60 डिग्री, 4 ब्लॉक = 120 डिग्री, 3 ब्लॉक = 190 डिग्री। तो अगर मान लो पूछे कि 4 और 5 के बीच में बताओ कि 30 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो चलो तो उसको सॉल्व करके देखते हैं, आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। क्या करेंगे, 60/11 इनिशियल टाइम कितना है 4, एक बार 4 में क्या करेंगे, प्लस 1 करेंगे, और 60/11 एक बार 4 में क्या करेंगे, माइनस 1 करेंगे, क्योंकि 30 डिग्री बराबर हमें क्या करना है, प्लस माइनस 1 करना है। तो चलो 60/11 60/11 × 5, और यहाँ 60/11 × 3, तो हो गया 300/11 यानी 27.3/11, कितना बजकर 4 बजकर, और ये होगा
180 बटा 11 यानी 16 पूर्णांक 4 बटा 11 कितना बजकर 4 बजकर, यानी 4 और 5 के बीच में 30 डिग्री कितनी बार बन रहा है, दो बार बन रहा है। एक बार बनेगा 27 पूर्णांक 3 बटा 11 पर और एक बार बनेगा 16 पूर्णांक 4 बटा 11 पर। अगर यही क्वेश्चन 60 डिग्री का पूछा होता तो यहाँ प्लस माइनस 1 ना करके 2 करते, 120 का पूछा होता तो प्लस माइनस 3 करते, 150 का पूछा होता तो प्लस माइनस 5 करते। क्लियर है? तो इस तरीके से आप कोई भी एंगल पूछेगा आप आसानी से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला वही रहेगा, बस आपको चेंज कहाँ करना है, प्लस माइनस के डिजिट जो यहाँ लिखेंगे उसी में चेंजिंग करना है अकॉर्डिंग टू एंगल, जो एंगल पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेंज करें। क्लियर है? तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करके और लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, इससे हमें अप्रिसिएशन मिलता है, आपके जो फैकल्टी हैं उनको अप्रिसिएशन मिलता है और लगातार वीडियोज़ आपको डाले जा रही है, इस चीज़ को फॉलो करें। आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो हर चीज़ को कंप्लीट करें, कमेंट में आपका जो अच्छा लगा उसको भी बुरा लगा उसको भी दोनों को डालेंगे ताकि हमें पता चले कि और हमें क्या सुधार करना है आपको देने के लिए। क्लियर है? तो आज के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।